इतना अटूट विश्वास है, इतना भरोसा है, तो स्वाभाविक है देश की अपेक्षाएं भी बढ़ेगी और मैं इसे अच्छा मानता हूं और हम सबका कर्तव्य भी मानता हूं। और इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, और मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है, और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है, हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें, जनता चाहते हैं कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े, और मैं साथियों एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए न्यू इंडिया डेवलप इंडिया एस्पिरेशनल इंडिया। और इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना, ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है, और हमारे पास रोड मैप भी है। साथियों एनडीए ने हमेशा करप्शन फ्री, रिफॉर्म ओरिएंटेड, स्थिर सरकार देश को दी है। जब जब हमें अवसर मिला हम लोगों ने काम किया है। उसके सामने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए, अब उन्होंने पुरानी अपनी छवि सुधारने के लिए नाम बदल दिया, लेकिन पहचान घोटालों की है, आए दिन घोटाले, यही पहचान रही है। और नाम बदलने के बावजूद भी देश उनके घोटालों को नहीं भुला है, उनको नकारा। और मैं कह सकता हूं साथियों इंडी अलायंस वालों ने एक व्यक्ति का अपोज करने के वन पॉइंट एजेंडा के कारण देश की जनता ने उनको ही ऑपोजिशन में बिठा दिया है। एनडीए विकसित भारत इस संकल्प को लेकर के चुनाव में गया था, देश के लिए सकारात्मक सोच को लेकर के गया था, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य को समझ करके नए अवसरों को लेकर के देश को आगे बढ़ने की बात लेकर के गया था, जबकि हमारे सामने जो लोग थे वो भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, यही गुमराह करने वाले काम यही करते रहे थे। अब एनडीए और उनका काम देखें, इवन नामांकन में जाएंगे तो भी आपको देखेगा उनका चुनाव प्रचार, उनका नामांकन, हम लोगों का एक एक दृश्य देख लीजिए और उनका एक एक दृश्य देखिए, कितना बड़ा अंतर है। हर चीज में उनका कैरेक्टर दिखाई देता है। और क्या रहा, फोटो ऑप के लिए तो उन्होंने अलायंस घोषित कर दिया है, लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं, चुनावी जंग में एक दूसरे की पीठ में चुरा भोंकते रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि ये तो हमारा वैचारिक अलायंस है, वो भाई विचार लेवल पर ठीक है, बाकी नीचे तो हमारा अपना हम तैयार करेंगे। और अब फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो सीट के आधार पर अलायंस करेंगे, टोटल न भी करें, ये भी खेल खेला। और अभी अभी तो चुनाव पूरा शुरू कर दिया कि ये तो हमारा अलायंस लोकसभा के चुनाव के लिए ही था, बाद में नहीं है, ये भी शुरू कर दिया। यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना 4 जून के बाद बिखराव शुरू हो जाएगा, और वो शुरू हो चुका है।
इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश कर